आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टी लीनियर मैपिंग। मल्टी लीनियर मैपिंग मल्टी लीनियर मैपिंग ठीक है। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, देखिए इसको। मल्टी लीनियर मैपिंग क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेस से किसी नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं लेट कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू एंड सो ऑन, कैपिटल एक्स एन आर एंड एंड कैपिटल वाई, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं कैपिटल वाई, आर नॉर्म लीनियर स्पेसेस, नॉर्म लीनियर स्पेसेस स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड ऑफ स्केलर्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई नॉर्म लीनियर स्पेस है, वो लीनियर स्पेस तो होते ही है, लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस है तो वो किसी ना किसी फील्ड पर हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पर जितने भी नॉर्म लीनियर स्पेस हम ले रहे हैं, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन एंड वाई, ये सारे के सारे नॉर्म लीनियर स्पेसेस किसी एक ही फील्ड पर डिफाइन है, जहां फील्ड अपन क्या ले रहे हैं, स्केलर्स का फील्ड। देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग टी फ्रॉम एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस एक्स एन इंटू वाई, एक मैपिंग अपन डिफाइन कर रहे हैं टी कहां से, प्रोडक्ट स्पेस से। प्रोडक्ट किसका, एन नॉर्म लीनियर स्पेसेस जो हमने लिए हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स एन सबका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट स्पेस पर टी एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, जो किसमें डिफाइन हो रही है, प्रोडक्ट स्पेस से किसके अंदर, वाई के अंदर। ए मैपिंग टी एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एक्स एन इंटू वाई इज सेट टू बी मल्टीलीनियर मैपिंग, मल्टीलीनियर मैपिंग मैपिंग इफ इफ टी आई, इफ टी आई फ्रॉम एक्स आई इंटू वाई, टी आई फ्रॉम एक्स आई इंटू वाई फॉर ईच आई इक्वल टू वन टू अप टू एन, वन टू अप टू एन फॉर ईच, ठीक है। तो यहां पर जो मैपिंग टी हम डिफाइन कर रहे हैं वो मल्टी लीनियर मैपिंग कहलाएगा। अगर इंडिविजुअल मैप डिफाइन करें टी आई फ्रॉम एक्स आई टू वाई, डिफाइंड बाई, और इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं टी आई ऑफ एक्स आई इक्वल टू, टी आई ऑफ एक्स आई इक्वल टू टी ऑफ ए वन ए टू अप टू ए आई माइनस वन कोमा एक्स आई ए आई प्लस वन एंड सो ऑन अप टू एक्स एन इज लीनियर मैपिंग, इज लीनियर मैपिंग। तो क्या कहा अपन ने, कैपिटल टी को मल्टी लीनियर मैपिंग हम कहेंगे अगर टी आई लीनियर है। अब टी आई आई इक्वल टू क्या है, वन से लेकर एन तक, यानी टी वन कहां से डिफाइन होगा, एक्स वन से वाई के अंदर, टी टू कहां से डिफाइन होगा, एक्स टू से वाई के अंदर एंड सो ऑन। टी आई कहां से डिफाइन हो रहा है, एक्स आई से वाई के अंदर। तो ये जो इंडिविजुअल मैप डिफाइन कर रहे हो, तो टी तो किस पर डिफाइन है, प्रोडक्ट पर, एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एक्स एन से वाई के अंदर।
जबकि टी आईज जो मैप हम ले रहे हैं वो इंडिविजुअल मैप हैं जो एक स्पेस से डिफाइन हो रही है। भाई टी वन एक्स वन पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, टी टू किस पर डिफाइन, एक्स टू पर, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल मैप बन रही है ये क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। इंडिविजुअल मैप्स क्या होनी चाहिए, लीनियर। तो इंडिविजुअल मैप्स अगर लीनियर है तब टी को हम क्या कहेंगे, मल्टी लीनियर मैपिंग कहेंगे। तो अब यहां पर जो डिफाइन किया हमने, ये जो डेफिनेशन लिखी है टी आई ऑफ एक्स आई इक्वल टू टी ऑफ दिस, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। भाई टी तो कहां से कहां डिफाइन कर रहे हो आप, इधर मैं लिखूं, टी कहां से कहां डिफाइन किया अपन ने, एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एक्स एन से किसके अंदर, वाई के अंदर, ये हमने टी डिफाइन किया है। तो यहां से आपको पता है कि टी अगर इसका कोई भी मैं एलिमेंट लूं प्रोडक्ट स्पेस का, प्रोडक्ट का स्पेस का एलिमेंट किस टाइप का होगा, ए वन ए टू अप टू ए एन, अगर ये सपोज मैंने क्या मान लिया ए, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेस आपको पता है कि भाई ए क्रॉस बी का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एलिमेंट में थ्री टपल बनेगा, और यहाँ एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एक्स एन है तो एन टपल बनेंगे, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जब इमेज आप निकालोगे तो ए के करस्पोंडिंग वाई का एलिमेंट क्या होगा, ए के करस्पोंडिंग वाई का जो एलिमेंट हमारे पास होगा वो क्या बनेगा, टी ऑफ, ठीक है, इधर जो एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा, टी ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन। कहने का मतलब ये है कि वाई का जो एलिमेंट, अगर ए एक्स वन क्रॉस एक्स टू क्रॉस एक्स एन का एलिमेंट है, देन टी ऑफ ए एलिमेंट किसका बनेगा, वाई का। तो वही मैंने यहां पर किया है। भाई टी आई हम कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, देखिए आप, टी आई हमने कहां से डिफाइन किया है, एक्स आई से वाई के अंदर। तो टी आई एक्स आई के एलिमेंट पर क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो टी आई ऑफ एक्स आई आपके पास आ गया। और फिर इधर एलिमेंट किसका आएगा, वाई का एलिमेंट। तो वाई का एलिमेंट क्या है, देखो यहां पर वाई का एलिमेंट इस टाइप का बनेगा, टी ऑफ ए वन ए टू ए एन, तो वही बन रहा है टी ऑफ ए वन ए टू अप टू, एक मिनट, यहां पर एक्स एन नहीं आएगा, ए एन आएगा, ए एन, ठीक है, ए एन। केवल एक्स आई कहां पर आ रहा है, आयत प्लेस पर, आयत प्लेस पर केवल एक्स आई आ गया, बाकी ए वन ए टू अप टू कहां तक, ए एन तक की अपने पास क्या आ रही है, इसमें टर्म्स आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्योंकि कि वाई का एलिमेंट हमने इस टाइप का क्यों लिया है, क्योंकि टी प्रोडक्ट स्पेस से वाई में डिफाइन है, इसलिए अगर ए वन ए टू ए एन प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट है तो टी ऑफ ए वन ए टू ए एन वाई का एलिमेंट होगा, और यहां आपको वाई का एलिमेंट ही तो आएगा इधर, क्योंकि टी आई किस पर ऑपरेट करेगा, एक्स आई पर, तो एक्स आई का एलिमेंट एक्स आई। तो आयत प्लेस पर तो मैंने क्या ले लिया, एक्स आई, और बाकी एलिमेंट्स ए वन ए टू अप टू ए एन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टी डिफाइन कर रहे हैं हम प्रोडक्ट स्पेस से वाई के अंदर, और फिर इंडिविजुअल मैप्स हम डिफाइन करें जिसकी डेफिनेशन इस तरह से हम लिख रहे हैं टी आई ऑफ एक्स आई टाइप में, तब अगर इंडिविजुअल मैप्स लीनियर हैं तब कैपिटल टी जो मैप यहां पर है वो क्या कहलाएगी, मल्टी लीनियर मैपिंग कहलाएगी, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गई, प्रूव दैट ये प्रूव करना है, टी ऑफ ए वन ए टू अप टू अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई कॉमा अप टू ए एन इक्वल टू होगा अल्फा अल्फा टी ऑफ अल्फा टी ऑफ ए वन ए टू अप टू एक्स आई अप टू ए एन, और प्लस बीटा टी ऑफ ए वन ए टू एंड सो ऑन वाई आई अप टू ए एन, ठीक है। ये प्रूव करना है कि अगर टी ऑफ ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, और आयत प्लेस पर क्या है, अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई, तब आपको ये प्रूव करना है कि भाई अल्फा यहां से बाहर आ जाएगा और टी ऑफ ए वन ए टू एक्स आई आ गया, फिर बीटा बाहर आएगा, टी ऑफ ए वन ए टू ए एन है, और आयत प्लेस पर क्या होगा, वाई आई। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे अपन, सिंस सिंस टी आई जो हम डिफाइन कर रहे हैं कहां से, एक्स आई टू वाई इज लीनियर मैपिंग, ठीक है। लीनियर मैपिंग का मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की मैपिंग, यानी टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू
अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, इस टाइप की जो मैपिंग है इसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर मैपिंग कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी आई अगर ये है देन देन क्या होगा, टी आई ऑफ अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई, टी आई ऑफ अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई इक्वल टू किसके होगा, क्या इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं अपन, टी ऑफ इक्वल टू टी ऑफ, क्या थी डेफिनेशन टी आई की, देखो आप टी आई ऑफ इस तरह से डेफिनेशन लिखी थी हमने भाई, टी आई ऑफ एक्स आई इक्वल टू टी ऑफ क्या हो गया था ए वन ए टू आयत प्लेस पर क्या आ गया था एक्स आई और लास्ट में फिर ए एन, केवल आयत प्लेस पर क्या आ गया था एक्स आई। तो यहां से टी आई ऑफ अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास टी ऑफ ए वन ए टू एंड सो ऑन आयत प्लेस पर अल्फा एक्स आई और प्लस बीटा वाई आई कोमा एंड सो ऑन कहां तक ए एन तक सपोज रिलेशन नंबर वन, एक तो मेरे पास ये आ गया ठीक है। आल्सो आल्सो मैं ये लिख सकता हूं टी आई ऑफ अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई इक्वल टू किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, अल्फा टी आई ऑफ एक्स आई प्लस बीटा टी आई ऑफ वाई आई, क्यों रीजन क्या है, सिंस टी आई इज लीनियर, टी आई अगर लीनियर मैपिंग है देन टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां से मैं इसको लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज टी आई ऑफ अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई इक्वल टू अल्फा, और इसकी डेफिनेशन टी आई फिर से इंडिविजुअल मैप है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टी आई एक्स आई इक्वल टू टी ऑफ ए वन ए टू आयत प्लेस पर क्या आ जाएगा एक्स आई और अप टू ए एन और प्लस बीटा, यहां टी आई की डेफिनेशन लगाएं तो टी ऑफ ए वन ए टू आयत प्लेस पर वाई आई एंड सो ऑन ए एन, ये अपने पास है, इसको मैंने क्या मान लिया सपोज रिलेशन नंबर टू। वन और टू को अगर मैं देखूं तो एल एच एस दोनों का सेम है, RHS को मैं क्या कर सकता हूं इक्वेट कर सकता हूं, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या मिल रहा है हमें वन और टू से, टी ऑफ ए वन ए टू अप टू अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई एंड सो ऑन ए एन इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अल्फा टी ऑफ ए वन ए टू अप टू एक्स आई एंड सो ऑन ए एन और प्लस बीटा टी ऑफ ए वन ए टू और वाई आई एंड सो ऑन ए, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि मल्टीलीनियर मैपिंग अगर आपके पास है टी ऑफ ए वन ए टू अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई कोमा ए एन, तब यहां इसके लिए आपको दो अलग अलग फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हो, अल्फा बाहर आ गया टी ऑफ ए वन ए टू एक्स आई ए एन और प्लस बीटा बाहर आ गया टी ऑफ ए वन ए टू वाई आई ए एन। तो इस तरह से हम मल्टीलीनियर मैपिंग के लिए ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीलीनियर मैपिंग जो हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट स्पेस, उसके लिए नॉर्म किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, तो यहां पर अगर एक्स इक्वल टू एक्स वन क्रॉस एक्स टू इज प्रोडक्ट स्पेस ठीक है, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू आर नॉर्म लीनियर स्पेसेस, ठीक है, देन प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज ऑल्सो ए नॉर्म लीनियर स्पेस विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग नॉर्म्स
नॉर्म्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्म लीनियर स्पेसेस दे रखे हैं तब उनका जो प्रोडक्ट स्पेस बनेगा वो भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, और उस पर नॉर्म किस तरह से डिफाइन होता है वो हम बता रहे हैं। यहां पर अगर मैं एक्स कोई भी पॉइंट लूं किसका, कैपिटल एक्स का, इसका मतलब एक्स इक्वल टू किस टाइप का होगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वन कोमा एक्स टू, जहां एक्स वन किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एक्स वन का, और एक्स टू किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एक्स टू का, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट अगर आ रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट में एक्स वन में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में होगा यानी एक्स टू में। तो नॉर्म जो डिफाइन करते हो आप, नॉर्म ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू ऑर्डर्ड पेयर का जो नॉर्म होगा इक्वल टू इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है नॉर्म, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स वन कोमा नॉर्म ऑफ एक्स टू, ठीक है, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड, नॉर्म ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स टू, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह से प्रोडक्ट स्पेस पर नॉर्म डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर नॉर्म इस तरह से हम डिफाइन करें तब कैपिटल एक्स यानी एक्स वन क्रॉस एक्स टू भी क्या बनता है, प्रोडक्ट स्पेस बनता है, वो नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्म लीनियर स्पेसेस का अगर प्रोडक्ट स्पेस हम बनाएं तो नया स्पेस भी नॉर्म स्पेस होगा, और नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसी चीज को आप इसके लिए लिख सकते हैं कि भाई अगर x इक्वल टू किसके है, x1 क्रॉस x2 क्रॉस एंड सो ऑन xn, ये प्रोडक्ट स्पेस है, तब इसके लिए जो नॉर्म होगा, नॉर्म ऑफ इसका पॉइंट क्या होगा, x1 कोमा x2 एंड सो ऑन कोमा xn, इस तरह का पॉइंट होगा n टपल्स में, तब इसका नॉर्म इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x1 कोमा नॉर्म ऑफ x2 कोमा एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम है उसको हम इसका नॉर्म कह सकते हैं। और एक दूसरी तरह से भी इसका नॉर्म डिफाइन करते हैं, x1 x2 अप टू xn, इसका नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन नॉर्म ऑफ xn, ये है। तो ये अलग अलग तरह से प्रोडक्ट स्पेसेस के नॉर्म हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर मल्टीलीनियर मैपिंग की डेफिनेशन, और मल्टीलीनियर मैपिंग को किस तरह से आप डिफाइन करते हो, ठीक है, उसकी मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्म है किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, और अगर मल्टीलीनियर मैपिंग टी ऑफ कहीं पर भी एक्स वन एक्स टू या एक्स वन एक्स टू अप टू अल्फा एक्स आई प्लस बीटा वाई आई टाइप की टर्म आ रही है तो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक रिजल्ट करवाया। बाकी इससे रिलेटेड चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे।